तो भाई कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। गौरी और मंगल अभी दोनों हरे चारे की कुट्टी खा रहे हैं साथ में। खुराक इन्होंने पहले बढ़िया से खा ली है। इन दोनों को भी पहले खुराक उसके बाद अभी हरे चारे की कुट्टी दे दी है। इस साइड में राधा खा रही है और गिरा भी रही है। फार्म के अंदर भी अपने सभी गायों को हरे चारे की कुट्टी अभी डाल दी है और गंगा भी अभी तक खुली है, लेकिन अभी फ़िलहाल शांति है। थोड़ी देर में जैसे ही चारा खाना हो जाए फिर ये मारने को दौड़ती है अपनी मंगल की माँ को, तब बांध देंगे। हवाई सेना ऊपर बैठी हुई है, इनको भी दाने देने पड़ेंगे। और गायों ने अच्छा खासा चारा ख़त्म भी कर दिया है और चारा अपना आज काफ़ी सारा बचा हुआ है और हम उसकी कल कुट्टी करेंगे। आज तो जितना चाहिए उतना हो चुका है और फिर भी कुट्टी बची हुई है, क्योंकि कल जो बांध का चारा काटा था वो काफ़ी सारा था और जो हमने खेत में से काटा था वो कि अभी बैलगाड़ी के अंदर भरा हुआ है, जिसकी हम कल कुट्टी करेंगे। जिसको बैलगाड़ी के अंदर रखते हैं, सूखा चारा है मतलब गंदा नहीं है, तो अंदर बारिश रहती है, पानी रहता है अंदर की साइड, तो फिर ये गंदा हो जाता है, लेकिन ये सूखा है। और जो ये हरा बचा है बांध का, ये हम इस चारे के साथ कुट्टी करेंगे कल, और शाम के लिए मतलब कल सुबह के लिए हो जाएगा। शाम को आज चारा काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो ये कुट्टी बची हुई है ये हम बच्चों को दोपहर को दे देंगे। अभी नीम के पेड़ के नीचे जो बच्चे हैं उनको भी डालने के बाद इतनी बची हुई, और इस फार्म के अंदर भी सबको डालने के बाद इतनी बची, तो ये हम दोपहर को बच्चों को दे देंगे। काफ़ी बची हुई है। और जो इतना बांध का हरा चारा बचा हुआ है इसको भी हम थोड़ा फैला देते हैं, अंदर गर्म ना हो जाए तो ये ठंडा रहे, और जो बैलगाड़ी के अंदर है वो तो अंदर गीला है नहीं तो सही रहेगा, वो गर्म नहीं होगा, लेकिन ये थोड़ा गीला था तो अभी इसको फैलाने के बाद ये भी ठंडक बनी रहे इसी के अंदर। फिर सुबह में कुट्टी करके फार्म के अंदर डाली जाएगी। तो आज शाम को अपने को चारा काटने की कोई ज़रूरत नहीं, जो चारा है वो अपना पहले ही कटा हुआ है, तो आज खेत के काम ज़्यादा होंगे, क्योंकि चारा काटने में कल पूरा दिन चला गया था, लेकिन आज जो काम है वो चारे काटने का है ही नहीं, तो अपने खेत के काम आज हो जाएंगे। तो आज तुम्हें जाओ ना, वो लोग गाय चराने, फिर बाकी जो खेत के काम है वो बाकी लोग करेंगे। तो अभी डॉक्टर साहब आए हैं और अभी कपिला को इंजेक्शन दे रहे हैं, क्योंकि कपिला आज सुबह में एक पैर लंगड़ा के चल रही थी, तो गोलियों का असर तो हो रहा था चारे पे, लेकिन वो थोड़ी तबीयत उसकी पहले ही डाउन थी तो गोलियों से चारा खाने लग गई, लेकिन उसका पैर जो है आज सुबह में ज़्यादा लंगड़ा रहा था, तो डॉक्टर साहब को ही बुला लिया। तो अभी इंजेक्शन दे रहे हैं और कपिला जल्दी ठीक हो जाएगी। तो अपनी कपिला अभी लेट चुकी है, क्योंकि जब इंजेक्शन दिया तो उसके गर्दन में झनझनाहट हो रही, तो उसको वो सहन नहीं हो रहा, तो अभी वो लेट गई, बिठा रहे तो लेट जा रही, क्योंकि अभी उसको लग रहा है कि ये क्या हो गया नया। अभी छोटे भाई ने उसको बिठा दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। बैठने दो उसे, थोड़ी देर में खड़ी हो जाएगी और तबीयत भी बिल्कुल सही हो जाएगी। गोलियों से चारा खाने पे अच्छा खासा असर हो गया था, चारा बढ़िया खाने लग गई थी, लेकिन फिर बाद में उसका पिछला पैर थोड़ा लंगड़ा के चलने लग गई, तो डॉक्टर साहब को बुला लिया। इंजेक्शन हो चुके हैं अभी फ़िलहाल, थोड़ी देर में कपिला ठीक हो जाएगी, मतलब शाम तक बिल्कुल सही हो जाएगी। चारा तो सही से वो खा ही रही है। तो चाचा जी बड़ी सेना लेके आगे चल रहे हैं और हम अभी छोटी सेना लेके चाचा जी के पीछे चल रहे हैं, तो फटाफट इन सबको लेके निकलते हैं यहाँ से बाहर खुली जगह में। तो अभी ये सब पहाड़ पे आ चुके हैं और कल पूरा दिन पिताजी ने इन सबको चराया था, लेकिन आज पिताजी बाहर गए हैं और चाचा जी है तो खेत के काम करेंगे, तो आज हम इन सबको चराने का काम करने वाले हैं और देखते हैं आज नई जगह है तो कैसे चारा खाते हैं। कल तो आए थे ये, लेकिन आज अपने लिए नई जगह है, हम पहली बार आए तो हमें पूरा पता नहीं जगह पे चारा कौन सी जगह पे ज़्यादा है कौन सी जगह पे कम है, तो आज हम इनको घुमा के भी लाएंगे सारी जगहों में और हमें भी पता चल जाएगा कि कौन सी जगह चारा बढ़िया है। तो अभी आ तो चुके हैं, बारिश तो अभी कल से कल पूरा दिन नहीं हुई, आज भी अभी अब तक तो हुई नहीं है, लेकिन क्या पता दोपहर के आसपास हो जाए या फिर नहीं भी, तो बढ़िया से अभी ये सब चारा खा रहे हैं। तो अभी अपने सारे शैतान सामने की साइड चारा खा रहे हैं और चारा इन पेड़ों के अंदर काफ़ी सारा है, लेकिन ये पेड़ भी बहुत काफ़ी सारे, तो अगर इनके अंदर चले जाएंगे तो इनको निकालना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे दिखता भी नहीं है और ज़्यादा हाइट भी नहीं है पेड़ों की,
दिखेंगे भी नहीं, मतलब इतने भी छोटे नहीं है और इतने भी ज़्यादा नहीं है, तो इतने हैं कि क्या ही बताऊँ, क्योंकि यहाँ से वहाँ निकलने में काफ़ी सारा टाइम लगेगा। तो गाय कैसे निकलेंगी वो अलग बात, और गाय तो निकल जाएंगी मुश्किल से, फिर बाकी मैं फंस जाऊँगा, क्योंकि अगर ये ज़्यादा जाएंगे तो मुझे निकालने में दिक्कत आएगी। ये देखो पूरे रास्ते बंद है, ये देखो इस साइड में चारा देखो और कांटे भी देखो, ये चारा है लेकिन वो हमें कुछ काम का नहीं। ये देखो इतने सारे पेड़ हैं कि यहाँ पे कोई नहीं जा सकता खाने, और इन कांटों में ना ही तो गाय जाएगी ना ही तो फिर और कोई बड़ा जानवर, मतलब छोटे जानवर जा सकते हैं जैसे बकरी भेड़, ये अंदर जाके खा सकते, वो भी बच्चे, मतलब बकरी का बच्चा या फिर भेड़ का, लेकिन गाय का बच्चा नहीं जा सकता। और छोटे और जानवर मतलब खरगोश और जो छोटे जानवर घास खाते हैं वो अंदर जा सकते, लेकिन बड़े जानवरों का यहाँ पे चारा नहीं है, मतलब है चारा लेकिन खा नहीं सकते, ये दिक्कत है। तो बाहर की साइड अब तक ये और ये धीरे धीरे करके इन्हीं कांटों के बीच आ रहे हैं, तो अंदर बाकी जगह जो है वो खुली है, मतलब पेड़ दूरी पर है तो वहाँ पर हो सकता है, बाकी जहाँ पर नज़दीक पेड़ है वहाँ पर तो नहीं खा सकते, लेकिन खुली जगह में इनका काम हो जाएगा। अभी इस जगह से ऐसा खुला खुला दिख रहा है, इस रास्ते बीच में जाके यहाँ पे जो बड़े पेड़ है वहाँ पे थोड़ी खुली जगह है तो उस साइड जा सकते हैं, बाकी जगह फिर बाहर की साइड है जहाँ पे ये चारा खा सकते हैं। इस साइड में जो अभी सामने दिख रहा है पहाड़, इस साइड में खुला है, बाकी फिर सामने ये दो तीन गाय किसी ने बांध दिए, अगर ये नहीं रहती तो फिर हम उसी रास्ते सीधा जाने वाले थे पहाड़ से होके, लेकिन अभी गाय है तो उधर अगर गए तो लड़ाई हो सकती है गायों के बीच, तो अगर लड़ाई हो गई तो उनकी लड़ाई निकालने में ये दूसरे अपनी जो बच्चे हैं ये खेतों में ना चले जाए, क्योंकि पहाड़ पे सीधा पहाड़ के ऊपर से जाना पड़ेगा और पहाड़ के नीचे खेत हैं तो खेतों में बच्चे आएंगे, इसलिए हम उधर नहीं जाते, हम यहाँ पे रुकते हैं, और अगर थोड़े टाइम बाद वो गाय निकल गई वहाँ से तो फिर हम उस रास्ते निकल जाएंगे, और आगे जाके फिर काफ़ी जगह खाली उधर भी दो पहाड़ों के बीच, तो आज तो नहीं जाना हो पाएगा क्योंकि काफ़ी जगह मतलब लंबी जगह है, उधर जाने में काफ़ी टाइम लगेगा, और अगर खुल ये गाय नहीं रही तो हम पहाड़ पे चराएंगे थोड़ा, अगर रही गई तो फिर हम यहीं पे रहेंगे। और इसी रास्ते मतलब ये नाला है जिस नाले में अपना जो नाले का पानी आता है वो भी इसी में आता है, तो ये नाले का पानी आगे चल के डैम में जाता है, तो इसी नाले में आगे चल के थोड़ा पानी इकट्ठा हुआ है और वो पानी बह रहा है, मतलब ज़मीन से निकल के जा रहा है, तो ये जगह ऊँचा है इसलिए यहाँ पर नहीं बह रहा, लेकिन आगे चल के पत्थर है तो पत्थरों के ऊपर से पानी बह रहा है, तो अपने को यहाँ पे अच्छा खासा साफ पानी मिलेगा इन सबको पिलाने के लिए, और वो पानी हम भी पी सकते हैं साफ पानी बढ़िया, तो कल पिताजी ने इन सबको वही पानी पिलाया था, तो आज भी हम उधर ही जा रहे हैं, पिछले साल हम जब भी डैम में गाय चराने थे हम उसी जगह जाते पानी पिलाने, पिछले साल हम उधर ही जाते थे तो इस साल भी हम इन सबको उधर ही पिलाएंगे। तो अभी देखो यहाँ से भी खुली जगह है जो कि अभी बच्चे जा चुके हैं, बाकी से भी लक्ष्मी लक्ष्मी की माँ और एक बैल ले गया, बाकी सारे इधर ही आ चुके हैं, तो अंदर काफ़ी खुली जगह है तो उसी जगह हम अभी चलते हैं, और वहीं पे हम बीच में एक जगह देख के खड़े रहते हैं बढ़िया से, क्योंकि कांटे हैं तो एकदम से बाहर निकलेंगे नहीं, अगर एक एक करके निकलेंगे तो हमें मुश्किल है निकलने में, तो हम ऐसा रास्ता देख के रखते हैं कि हमें बाहर निकलने में आसानी हो। ये गाय जो है वो कांटों के बीच से होके धीरे धीरे निकल जाएंगी, लेकिन हम नहीं निकल पाएंगे। ये देखो अभी बीच में थोड़ी जगह खुली है, लेकिन खुली जगह में चारा भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि खुली जगह है तो ये खा रहे दूसरे जानवर आके भी, तो ऐसे ही हम कांटों में से होके देखो नीचे तक काटे ही काटे, तीन में से होके हम अंदर आ चुके हैं, और यहाँ पे देखो थोड़ी खुली जगह है तो ये खुली जगह में खाएंगे। अब ये जो सामने दिख रहा है यहाँ पे पूरे काटे हैं, यहाँ पे नहीं खा सकते, कुछ ऐसी जगह है यहाँ पे चारे के लिए, और ये कांटे हैं जो मिटेंगे ही नहीं आगे चल के, जो अभी हम खुली जगह में खड़े यहाँ पे भी कांटे हो जाएंगे, और जो अभी ये छोटे कांटे ये आगे चल के बड़े हो जाएंगे, तो आना ही मुश्किल, मतलब इस जगह पे कोई नहीं आएगा फिर। तो भी यहाँ पे काफ़ी सारा पानी भरा पड़ा है, और ये यही पे नहीं है, ये अभी बहता हुआ पानी, ये देखो यहाँ से पूरा इसे नाले में से बह के जा रहा है आगे, जो कि सामने चुटकी जा रही है वहाँ पे, तो इस जगह पे पानी की कोई कमी नहीं है, काफ़ी सारा पानी बह रहा है, और इस साइड में ऊपर ये चारा खा रहे और पानी इस साइड से आ रहा है आगे से, तो यहाँ पे पूरी जगह में पानी ही पानी, पिलाने के लिए कोई दिक्कत नहीं, बहुत साफ पानी है, लेकिन ये नहीं पिलाएंगे हम यहाँ पे, क्योंकि गाड़ियाँ आती जाती रहती है तो ये पानी थोड़ा गंदा दिखता है, हम जाएंगे उस साइड में आगे वहाँ पे नीचे, वहाँ पे बहुत साफ पानी है और वो वाला पानी हम इनको पिलाएंगे, मतलब ये तो यहाँ पियेंगे नहीं ठीक से, लेकिन हम उधर ले जाएंगे वहाँ पर पिलाएंगे, और चारा यहाँ पर काफ़ी सारा है बड़ा वाला, जो कि इनको पेट भरने में कोई दिक्कत नहीं।
तो अभी अपने शैतान पानी पीने के लिए आ रहे हैं। कितना साफ पानी देखो, और बिल्कुल गंदा पानी नहीं है, कुछ ऐसा नहीं पी रहे। और यहाँ पे बहता पानी है तो पानी भी अच्छा लगेगा पीने में। और पूरे पत्थर है तो पत्थरों के बीच कीचड़ का पानी नहीं रहता है, मतलब गंदा पानी नहीं रहता। तो अभी आगे जा रहे हैं, मतलब ज़्यादा ही कुछ शैतान हो रहे हैं, तो थोड़ा पीछे करते हैं। ये देखो पूरा पानी भरा पड़ा है, और यहाँ पे कुछ मछलियाँ भी हैं। ये देखो यहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं है, काफी सारा पानी, और बहता हुआ पानी है, रुका हुआ नहीं है। ये देखो ये सारा बह रहा है, ये देखो पूरा पानी बहता हुआ है, रुका हुआ पानी नहीं, मतलब गंदा पानी नहीं है बिल्कुल। और पूरा पानी ठंडा है, तो पानी पीने में कोई दिक्कत नहीं। तो इनको वापस लेके आना पड़ेगा, आगे ही जा रहे हैं दोनों, बाकी फिर ये इधर से आ रहे हैं। तो अभी शाम के बज चुके हैं 4, और अभी थोड़ी देर पहले से बारिश शुरू हुई है, करीब 5 मिनट हो चुके हैं बारिश को शुरू हुआ। हल्की बारिश चल रही है, लेकिन इस साइड में दूरी पे अच्छी खासी तेज़ बारिश है, क्या पता इस साइड भी आ जाए। लेकिन अभी फिलहाल हल्की बारिश चल रही है, और अभी थोड़ी देर में चाचा जी आएंगे, मतलब 4:30 बजे के आसपास चाचा जी आएंगे हमें लेने के लिए वापस। तो तब तक हमें इनको यहाँ पे चराना है। और यहाँ पे अपन जिस जगह पहले चराते थे उस जगह पे अगर ऐसी बारिश आती थी तो तेज़ चलते थे, चारा नहीं खाते थे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग है, यहाँ पे बारिश आ रही फिर भी चारा खा रहे बढ़िया से। तो एक इस जगह पे एक शांति बनी रहती है, नहीं तो उस जगह पे अगर हल्की बारिश भी शुरू होती थी फिर भी चलने लगते थे। लेकिन यहाँ पे 5 मिनट से देख रहा हूँ इतनी सी जगह में चारा खा रहे, और रोकना भी नहीं पड़ा, अपने आप ही रुके हुए हैं, तो बढ़िया से यहाँ पे अभी ये चारा खा रहे। तो हम बड़ों को लेके आगे चल रहे हैं, और हम बड़े सिर्फ 6 ले जा रहे हैं आगे, और हमारे पीछे छोटी सेना सारी चाचा जी लेके आ रहे हैं। तो अभी चलो लेके चलते हैं फटाफट इनको, और हल्की बारिश अभी भी चालू है। तो अभी अपनी छोटी सेना सामने बंधी हुई है, राम जी, गौरी और मंगल भाई साहब है तो खुले हैं, लेकिन उन्हीं के बीच जाके खड़े हैं। तो उनका चारा हरा बचा हुआ है काफ़ी सारा, और इन्होंने लगभग खुराक खानी बाकी है इनकी, तो चारा उन्होंने खा लिया है। और अभी हम लक्ष्मी को भी लेके आए, तो लक्ष्मी भी अभी थोड़ी देर में खुराक खाएगी। राधा बाहर की साइड बंधी हुई है, और सामने वो चारों शैतान। और जो हमने पिछले साल इस गाय को हमारे पड़ोसियों को दिया था, तो पिछले साल ही वो बीमार पड़ गई थी, तो हमने इसको ट्रैक्टर से उठाया था उस साल, क्योंकि ज़्यादा ही बीमार हो गई थी। तो अब तक वो रिकवर हो रही है, क्योंकि फिर बाद में गर्मियों के सीज़न में और एक बार हो गई थी। अभी फ़िलहाल बीमार तो नहीं है, लेकिन अभी वो खेतों में खुला छोड़ देते इसको चारा खाने के लिए, पूरे खेतों में खुली घूमती है। तो इसको अपने फार्म की उसको पहले से पता है, उसको बचपन से यहाँ पे पली बड़ी है, तो वो अपने फार्म आ जाती है। कल भी आ गई थी, आज भी आ गई, तो आज इसको आए हुए 1 से 1.5 घंटा हो गया। तो छोटे भाई ने पहले इसको सूखा चारा रख दिया था, तो मैं आया तो इसको मैंने अभी हरा दे दिया, तो खाए कोई दिक्कत नहीं, अपनी गाय खाएगी तो अपना ही चारा खाएगी, और अपने ही खेतों में खा रही थी। तो उनका खेत काफ़ी सारा बड़ा है, तो उनके खेत में छोड़ दें, लेकिन उसको अपने फार्म की आदत है तो इधर चल के आती है। तो कल भी आई, आज भी आई, अगर वो खुला छोड़ेंगे तो बार बार इधर आएंगी। और अभी उसका दूध है बंद, और काफ़ी दुबली पतली हो गई है, लेकिन अभी बारिश हो चुकी है, अच्छा खासा खेतों में चारा हो गया, तो जल्दी ठीक हो जाएगी। अभी भी हम इसको खुला ही रखते हैं, लेकिन अपने खेतों में जा रही है और फसल खा रही, तो उनके खेत है तो खाली पड़े, तो उधर वो चारा खाती, अपने खेत में आई तो फसल खाती, तो हमने इसको बांध दिया और चारा रख दिया है, खा भी रही है। और फार्म के अंदर है तो अपनी सभी गाय अभी फ़िलहाल बंध गई है, और अभी हम थोड़ी देर में इन सबको खुराक रख देंगे, चारा भी डाल लेंगे फार्म के अंदर। और बारिश का मौसम सामने की साइड हुआ है काफ़ी सारा, तो कभी भी बारिश हो सकती है। खुराक है जो कि पानी में डाल के सुबह छोटे भाई ने रखी थी, अभी इसमें सभी कड़े में थोड़ी थोड़ी करते और गायों को रखते। तो अभी अपनी गायों की खुराक खानी हो चुकी है, और अभी हल्की बारिश फिर से शुरू होने की संभावना है। और बाहर की साइड गौरी और मंगल साथ बंधे, इन दोनों ने खुराक खा ली, राम जी और लक्ष्मी खा रहे, इसको भी थोड़ी देर थी, इसने भी पहले ही खा ली। फिर बाकी हम अभी जा रहे हैं ट्रैक्टर लेके घर पे, सभी लोगों के साथ पहले निकल जाने वाले, फिर दूध निकाल के छोटा भाई, पिताजी और चाचा जी आने वाले बाद में, तो ये सारे काम निपटा के आएंगे।
और हमें तो बाकी सब लोग को साथ लेके ट्रैक्टर पे निकल जा रहे हैं अभी। और इस साइड से बारिश शुरू होने की संभावना है, क्योंकि वहां से अभी कुछ दिख नहीं रहा, बारिश की संभावना है, हमें निकलने देगी या फिर नहीं भी, नहीं तो हम यहाँ पे तब से बारिश आ जाएगी और फिर बारिश खुलने के बाद निकलेंगे, या फिर कुछ दिन की तरह बारिश में जाना पड़ेगा। तो अभी पहले ट्रैक्टर हम लेते और शुरुआत करते निकलने की यहाँ से, फिर बाकी थोड़े टाइम में चाची और पिताजी आ जाएंगे, और जिनको गाय दिए वो अगर आज नहीं आए लेने को तो शाम को इसको अपने यहाँ पे रखते, यहीं पे और चारा दे देंगे रात को। तो ये थे हमारे आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो अभी बारिश शुरू हो चुकी है तो घर पे जाना हो गया कैंसल, थोड़ी देर इंतजार करते हैं बारिश खुलने का फिर निकलेंगे। तो बारिश अच्छी खासी चल रही है और अभी हमारा ट्रैक्टर एरा सामने खड़ा, तो थोड़ी देर में निकलेंगे हम बारिश खुलने के बाद घर पे।